गाइस देखो, ये है वैकुंठ निवासी भगवान श्री विष्णु, और इनके असली मूर्ति जो है वो वहाँ पे है जहाँ, और ये देखो पब्लिक आई है दर्शन करके और अभी सो रही है। तो भाई देखो, वहाँ बैठे हैं सामने हमारे भगवान श्री विष्णु। बिजली कड़क रही है जोर से, और भाई पूरी रात हो गई बारिश होते होते। देख लो एक बार और, देख लो ये मंदिर को। हमने तो तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर लिए, अगर आपने नहीं करे हैं तो इससे पहले वाला ब्लॉग जाके देख लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो गाइस अब चलते हैं हम यहाँ से और विदाई लेते हैं तिरुमाला से। यहाँ इतनी ठंड है, हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं, ये पर्वत के ऊपर है ये मंदिर, फिर भी यहाँ पर देखो किसी को ठंड का एहसास तक नहीं है। देखो एक और बड़ी बात है कि हमें हिचहाइकिंग करके ही जाना पड़ेगा नीचे तिरुपति बालाजी मंदिर, तो वो एक और अपने लिए एक कठिन टास्क है। देखते हैं कितनी देर में हिचहाइकिंग होगी अपनी, कितनी देर में अपन को लिफ्ट मिलेगी। और तो और लिफ्ट मिल भी गई किसी बाइक वगैरह पे तो मैं अभी पूरा गीला हूँ, और गीले पे ठंड कैसी लगेगी आप। तो गाइस देखो ये बस खड़ी है, ये सारी बस अब नीचे लेके जाएंगी तिरुपति पे, अभी हम थे तिरुमाला पे। तो और ये सारी बस है जो है नीचे आपको रेलवे स्टेशन तक, बस स्टैंड तक लेके जाएंगी। तो हमें इनमें बैठना नहीं है, आपको तो पता ही है, हमें जाना हिचहाइकिंग करने। तो हिचहाइकिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस पॉइंट पे जहाँ से नीचे उतरना शुरू होती हैं गाड़ियाँ। तो वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ तक मतलब थोड़ी दूर है, तो चलिए पहुँचते हैं वहाँ पर और फिर करते हैं हिचहाइकिंग। देखते हैं कौन मिलता है अपन को जो नीचे लेके जाता है। बस अभी मैं आया हूँ सर्कल पर, सर्कल पर पहुँचा हूँ, और देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है वे टू तिरुपति। तो तिरुपति जाने के लिए नीचे जाना पड़ता है इस पर्वत से, तो अब जा रहे हैं हम नीचे। यहाँ से आगे है तिरुमाला मंदिर, और वहाँ से आते हैं उस साइड से आते हैं ऊपर, और यहाँ से जाते हैं नीचे। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, नीचे जाने का और ऊपर आने का दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। और अगर आप पैदल आते हो ऊपर तो उसका भी रास्ता अलग है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने हिचहाइकिंग पॉइंट पे, और ये है यहाँ पे, यहाँ से एंट्री होती है यहीं पे, मतलब दोनों जगह मिलती है, यहाँ से गाड़ियाँ नीचे जाती हैं सब, और वहाँ से गाड़ियाँ सब ऊपर आती हैं। तो ये मेन जगह है जहाँ से हमें गाड़ी मिल सकती है नीचे जाने वाली हिचहाइकिंग करने के लिए। तो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं कौन लिफ्ट देता है, हमारी हिचहाइकिंग होती है कितनी देर में होती है। और अभी तो लगभग 10 मिनट हो गया, 10 मिनट में किसी ने रोकी नहीं है गाड़ी, फिर भी ट्राई करते हैं। और देखो मैं 2 मिनट पहले ही मैंने दिखाया था, और 2 मिनट में यहाँ पे कितना धुआं धुआं छा गया। देखो ये सब क्लाउड है, ये सब देखो, अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है अगर आप देख पा रहे हो तो। तो यार मौसम तो एकदम सुहाना और एकदम ज़ोरदार मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, जैसा कल हो रहा था। कल भी हम लिफ्ट ले रहे थे तो कल भी बहुत ही अच्छा मौसम था, और आज भी अच्छा मौसम है, बिकॉज़ हम अभी साउथ में, और साउथ में तो इस टाइम पे बारिश होती है। तो ऊपर से मैं तो अभी पहाड़ के ऊपर हूँ, एक अच्छे बड़े पर्वत के ऊपर हूँ, तो वहाँ पे तो ये सब होना स्वाभाविक है। तो अच्छा लग रहा है, और देखते हैं और कितनी देर में लिफ्ट मिलती है मौसम के हिसाब से, देखते हैं कौन रुकता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई है, और हमारी चेकिंग शुरू हो गई है, और अब लेते हैं नज़ारों का मज़ा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट बैंक एम्प्लॉय, नहीं ये तो मैं तो यूट्यूबर है। यूट्यूबर हाँ, तो ये रास्ते का अभी यहाँ का जो वेदर है ना, यूट्यूब में वर्क करेगा आप, आप हाँ। तो गाइस फटाफट चल के करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन। सॉरी मंदिर में, हाँ मंदिर में आता हाँ 20,000 1 lakh अराउंड एक ट्रिप में आता है इंसान मंदिर पे। मंदिर नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है यहाँ पे, उसी जाने के लिए हाँ बड़ा आंजनेय स्वामी है।
अंजनी स्वामी। ओके, नीचे सीधा जाएंगे तो बड़ा अंजनी स्वामी आएगा। सीधा तिरुपति जाने के लिए गरुड़ देव सर्कल सर्कल है, गरुड़ देव सर्कल। थोड़ा थोड़ा मालूम हिंदी? नहीं नहीं आपको मतलब आप बोल रहे हो मेरे समझ में आ रहा है आपका हिंदी, और अच्छा बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं है। जनरली यहाँ पे लोगों को हिंदी आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपको तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो बहुत। हाँ मंदिर में आता है तो सीख जाते हैं ना, मतलब यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं हर जगह पे, तो ऐसा है कि यहाँ पे अब पैदल चल के आना रास्ते से मतलब तो अच्छा नहीं है। जो पैदल आने वाला जो रास्ता है वहाँ पे काफ़ी व्यवस्था की गई है इन सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ से आप पैदल आ सकते हो मंदिर के ऊपर। ये देखो यहाँ पे ये सब है, इसमें शेर का भी लगा हुआ है पोस्टर, मतलब ये चीज़ भी है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। और ये अंजनी स्वामी जी का मंदिर है, देख लीजिए कितना दिव्य और कितना ज़ोरदार है। अंजनी स्वामी जी का मंदिर है, यहाँ पे देखो हनुमान जी खड़े हैं यहाँ पे, और इतना बड़ा मंदिर है, कितनी बड़ी मूर्ति हनुमान जी की देखी, और यहाँ पे कितने भक्त हैं। पैदल चलने वाले आते हैं यहाँ पे, पहले दर्शन करते हैं फिर चलते हुए ऊपर जाते हैं, और कुछ लोग गाड़ी से भी यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक के जाते समय दर्शन करके जाते हैं, जैसे हम रुके हुए हैं। तो देखिए ये सारे श्रद्धालु, और ये सर ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया, बिकॉज मुझे ये पता नहीं था, सर ने बताया मुझे कि इस चीज़ का यहाँ पे ये भी दर्शन करना पड़ता है, करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अपन ने दर्शन कर लिए, और अभी सर को भी जाना है नीचे, तो हम ऐसे प्रणाम करके बजरंगबली जी को और चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पे डियर आपको मिल जाएंगे, और किस जगह पे किस चीज़ से आपको अलर्ट रहना है, हर चीज़ का बोर्ड लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, देखते हुए जाइए। और ये देखो ये भी है यहाँ पे अवेलेबल, तो इनका भी ध्यान रखिए गाइस। ऐसा है कुछ यहाँ पे, हर जगह जहाँ से टर्न है फॉरेस्ट में है। ओके, ये देखो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखो ये इतनी मतलब भयंकर भयंकर चीज़ें हैं यहाँ पे, इसमें भी लिखा है यहाँ पे AP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद लाइफ मैनेजमेंट डिवीज़न तिरुपति, तो यहाँ पे आप विज़िट करके ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो देखो कितना मतलब ज़ोरदार और ख़तरनाक टर्न है, वैसे ही टर्न है हर जगह पर। सेवन हिल्स पूरा टोटल 7 हिल्स, मतलब टोटल 7 बड़े बड़े पर्वत हैं जिन पर गाड़ी चढ़कर ऊपर जाती है, और फिर दर्शन होते हैं तिरुमाला के। अरे मतलब बहुत जोरदार है यार, तो चलते हैं और देखते हैं आगे। और वो है गाइस नीचे देखो तिरुपति सिटी, और ये हनुमान जी का मंदिर है, सर ने मुझे बताया गाड़ी रोके बताने के लिए। ये देखिए ये है हनुमान जी का मंदिर, यहाँ देवी माता और हनुमान जी दोनों हैं। मौसम भी यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया है, और सर ने यहाँ पे गाड़ी रोक के मुझे इस चीज़ के दर्शन कराए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इनके साथ में बाइक पर बैठा हूँ, और इन्होंने मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कराया। तो बड़ी बात है कि जिसे मतलब जिनको आपका लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता है वो भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, और आपको लिफ्ट दी है ऊपर से, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। पानी सेव करके रखा गया है, देखो मैंने कहा था ना गवर्नमेंट ने पूरी फैसिलिटी पूरी सुविधा की हुई है, ऐसे बनाए हुए हैं जिससे पानी सेव होता है यहाँ पे, जिससे ये पानी जानवरों को मिल सके, जानवर आके इस पानी को पी सकें, पानी वेस्ट ना हो। ये देखिए कैसे एकदम मतलब टन, देखिए कितना अच्छा टर्मिनल। ओके पूरा एस है ये देखो, और ये यहाँ पे गाड़ी फेल हो गई है। ये देखो गाइस ये सेव करके रखा हुआ है वाटर, देखो कितनी ऊपर तक भरा हुआ है, और जैसे ये ओवरफ्लो होगा ना तो इसके अंदर पानी ये भरा रह जाएगा, डैम की तरह ऊपर से पानी जाएगा, फिर आगे ऐसा ही और बनाया हुआ है जहाँ पे फिर पानी स्टोर हो जाएगा। तो यार देखो कितना अच्छा है, मतलब ये तिरुपति सिर्फ नाम नहीं है, यहाँ पे काम भी वैसा है।
तो गाइस मेरी हिचहाइकिंग इतने अच्छे से होगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यार बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये है तिरुपति सिटी, जो कि कितनी बड़ी सिटी है, और इस पर्वत से आपको एकदम कंप्लीट दिखाई दे रही है। दीपम बना रहा। ओके, वहाँ पे गोपुरम में ना? अच्छा, गोपुरम में। गोपुरम में हाँ, अंदर से दीपम जला रहे, जलता है दीपम, अच्छा दीपम जलाते हैं वहाँ पे। ओके, नीचे आ रहा है पानी। तो गाइस देखिए कितने ऊपर से, कितने ऊपर से पानी गिर रहा है, देखो। कितना प्यारा वाटरफॉल है गाइस, देखो ये वो जो वाटरफॉल गिर रहा है उस वाटरफॉल का पानी है ना, यहाँ से नीचे जा रहा है, फिर वहाँ जाके स्टोर हो जा रहा है। कपिल देवतम है वहाँ पे, कपिल देव सेवा मंदिर है कपिल देवतम। और ये है वाटरफॉल, देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल है और कितना बड़ा वाटरफॉल है, वहाँ से गिर रहा है ऊपर से एकदम नीचे तक, देखिए। और ये है, ये ब्रिज है एक, कितना प्यारा ब्रिज बनाया हुआ है देखिए। और देखो कितना प्यारा, कितना बड़ा वाटरफॉल है देखो। चलते हैं अब, ये पूरा पानी स्टोर करके रखा हुआ है देखो, एकदम मतलब लेक की तरह बनाया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से देखने में। जंगल पार्क है ये। ओके, ये जंगल पार्क, जंगल बुक, जंगल बुक है पार्क, पार्क का नाम जंगल बुक, पार्क का नाम है जंगल बुक। और देखो ये कितना मतलब कितना प्यारा है, देखो देखो है ना, पब्लिक है वहाँ पे घूम रही है और एंजॉय कर रही है, और अगल बगल जंगल है, फिर सिटी है बगल में, तो ये चीज़ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पर आओ तो। ये सारी चीज़ें सर मुझे बता रहे हैं ताकि जो भी व्यूवर्स हैं उन्हें ये सारी चीज़ें पता चले, वो भी देखें इन चीज़ों को। हाँ हाँ, अच्छा गरुण पंछी थे। हाँ हाँ, मॉडल देखो गाइस, वो पर्वत जो दिख रहा है ना आपको, देखो उसको बोलते हैं गरुण पक्षी। देखो मैंने जूम कर दिया है, ये देखो ये है गरुण पक्षी, दिख रहा है आपको, इसका नाम है गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी का रूप, पूरा इस पर्वत का जो रूप है वो पूरा गरुड़ पक्षी का रूप है, और ये ऑटोमेटिक बना हुआ है, वर्षों से सालों से बना हुआ है ऑटोमेटिक ये रूप, इसीलिए इसको गरुड़ पक्षी बोलते हैं इस पर्वत को। तो ये भी हमें देखने को मिला है। हाँ जी, ये मंदिर है यहाँ पे गणेश जी का मंदिर, ये गणेश जी का मंदिर है गाइस, देख लीजिए। और यहाँ पे ये गणेश जी का मंदिर है, सर ने गाड़ी रोकी है प्योर वीडियो लेने के लिए, देखो। चलिए चलते हैं अब आगे। वॉकिंग एंट्री, ये वॉकिंग एंट्री है यहाँ से वॉकिंग करने जाने का, और ये चेक पोस्ट है एग्जिट करने का। ये कौन सा सर्कल है सर? गरुड़ा। हाँ गरुड़ा सर्कल, गरुड़ सर्कल, ये गरुड़ सर्कल है। तो गाइस हम लिफ्ट लेके आ गए नीचे, और वो सर चले गए हैं, और उन्होंने अपना फेस दिखाने के लिए मना किया था यूट्यूब पे, बोले मेरा मत दिखाओ, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो दर्शन हो गए हमारे, अब देखते हैं यहाँ पे चलते हैं तिरुपति मंदिर, नीचे है तिरुपति मंदिर, तो देखते हैं किधर साइड से जाना है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो चेक पोस्ट के अंदर जाना पड़ता है, ऊपर जो है पर्वत पे जो हम कल गए थे, कल
वो तो तिरुमाला मंदिर था, और अभी हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो यहीं सामने ही है मेरे। देखो ये जो पब्लिक जा रही है सब तिरुपति बालाजी मंदिर जा रही है, तो हम भी चलते हैं अंदर। यहाँ पर नारियल वगैरह चढ़ा के कुछ लोग जो है वो पैदल आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये व्यवस्था है, नारियल वगैरह चढ़ा के फिर अंदर मंदिर में जाते हैं। तो हम चलते हैं अब मंदिर के अंदर, तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। अब शूज रिमूव करने कर दिए और अब चलते हैं यहाँ से, एंट्री करते हैं। और ये हुई है मंदिर की शुरुआत। और अब चलते हैं अंदर। जय तिरुपति बालाजी महाराज की जय। तो गाइस अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है जहाँ पे अभी हम घूम रहे हैं। मंदिर के दर्शन हो गए हमारे, अब चलते हैं आगे। और भाई ऊपर इतनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन नीचे बिल्कुल भी ठंड नहीं है, तेज चल रही है। चलिए चलते हैं गाइस, दर्शन हो गए अपने। गोविंदा गोविंदा। हाँ गोविंदा गोविंदा। हमने दर्शन कर लिए, जय श्री बालाजी महाराज की जय। निकलते हैं बाहर। तो गाइस अपने दर्शन हो गए नीचे तिरुपति बालाजी मंदिर के। ये गोपुरम जाने का द्वार है पर्वत पे जाने का। तो गाइस तिरुपति मंदिर के दर्शन हमने करवा दिए, और ये रास्ता जा रहा है ऊपर गोपुरम मंदिर पे, जो कि ऑलरेडी हम कल दर्शन कर चुके हैं गोपुरम मंदिर के। और अब चलेंगे हम यहाँ से स्टेशन, और फिर वहाँ से जाएंगे चेन्नई। तो देख लीजिए ये जो इतना विशाल जो द्वार है, यही द्वार है पर्वत के ऊपर जाने का रास्ता। यहीं से फिर पर्वत पे चढ़ने की शुरुआत होती है, गोपुरम पे जाने की, गोपुरम मंदिर जाने की शुरुआत होती है। तो देखिए इस विशाल द्वार को देखिए खाली आप। तो गाइस जनरली पहले तिरुपति महाराज के यहाँ पे तिरुपति मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो भी पैदल वाले होते हैं। और अपन गाड़ी से गए थे और अपन को पता भी नहीं था, इसलिए अपन ने पहले ऊपर दर्शन कर लिए और उसके बाद नीचे आके दर्शन किए हैं। तो कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लीजिए इस द्वार को एक बार और, क्योंकि फिर आप खुद आओगे तभी देखने को मिलेगा। और अगर आपने वीडियो को प्यार दिया तो फिर मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा दिखाऊँगा आपको।
तो फाइनली हम यहाँ से विदाई लेते हैं और निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और चलिए चलते हैं अब मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो गाइस चलिए यहाँ से चलते हैं रिटर्न। हम आ गए हैं बाहर जहाँ पे हमने अपने शूज़ रिमूव किए थे और शूज़ पहनते हैं और चलते हैं इस चेक पोस्ट के बाहर और फिर करते हैं हिचहाइकिंग शुरू। और हिचहाइकिंग करते हुए पहुँचते हैं अपनी नई डेजिग्नेशन पे, स्टेशन पे पहुँचते हैं। स्टेशन से अपन को जाना है चेन्नई। ये सर्कल का नाम है गरुड़ सर्कल और आप तिरुपति मंदिर पर दर्शन करने जाते हो तो सबसे पहले आपको गरुड़ सर्कल से होके ही जाना पड़ेगा, तभी आप जाओगे आगे। तो यहाँ पर भी आप प्रणाम करते जाइए। हमने एक भाई से लिफ्ट ली, उन्होंने वहाँ से बिठाया और हमें इस ब्रिज के पास आके छोड़ दिया है। अब इस ब्रिज से कल हम इस ब्रिज तक ही हम पैदल आए थे रेलवे स्टेशन से, ये ब्रिज तक मैं कल पैदल आया था, उसके बाद मुझे लिफ्ट मिली थी आगे की। तो आज मुझे इस ब्रिज तक लिफ्ट मिली है और मैं फिर से ट्राई करता हूँ यहाँ से स्टेशन तक आगे तक की लिफ्ट मिल जाए। देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे स्टेशन तो ट्रेन पकड़ के निकल लेंगे। तो भाई फिर मिल गई है लिफ्ट। अपन को लिफ्ट दिया आगे तक की वहाँ से, तो थैंक यू। थैंक यू। चलो चलते हैं अब अपन आगे। ऑलमोस्ट अपन पहुँच गए रेलवे स्टेशन, बस यहाँ से कुछ 500 मीटर 700 मीटर है रेलवे स्टेशन। टिकट भी ले लिया हमने, 10 बजे की ट्रेन है तो पकड़ते हैं और फटाफट निकलते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी ये अभी नहीं पता है और 9:30 बज गए हैं, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। बट पहले यहाँ LED पे देख लेते हैं, LED पे शो कर रहा हो तो चेन्नई का ट्रेन कितने बजे आएगा, सॉरी कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा। LED अंदर ही देखते हैं। इसे निकल चुकी है और अब जा रहे हैं चेन्नई, पहुँचते हैं चेन्नई। भाई देखो ये क्रॉसिंग के, ये क्रॉसिंग वालों को देखो, इधर की भी पटरी का ध्यान रखना पड़ता है, उधर की भी पटरी का ध्यान रखना पड़ता है, दो दो पटरियाँ आगे पीछे। और उधर देखो, उधर तो पूरा मतलब पीछे भी पटरी है। देखो ये कौन सा स्टेशन आया भाई, इधर भारी पटरियों वाला रेणीगुंटा। भाई देखो क्या मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है और ज़ोरदार मौसम हो रहा है और बारिश हो रही है तेज। भाई मैं चेन्नई जा रहा हूँ और अभी रुकी है गाड़ी एक स्टेशन पे, स्टेशन का नाम तिरुवल्लपुर है। और ये देखो सामने मेरे मौसम कैसा हो रहा है यार, एकदम काले बादल छाए हुए हैं और एकदम देखो एकदम काले काले बादल छाए हुए। इस साइड देखो एकदम क्लीन है और इस साइड देखो, कैमरे में पता नहीं आपको कितना दिखाई दे रहा है लेकिन काले एकदम बादल छाए हुए हैं और बारिश। भाई वहाँ से निकली गाड़ी तब से बारिश हो रही है और अब तो आगे और ज़ोरदार बारिश होने वाली है क्योंकि बादल आ गए ऐसे छाए हुए हैं और मौसम भी बहुत मस्त हो रहा है। पूरे साउथ में पता नहीं अपन किस टाइम अपन, मतलब मेरे ख्याल से तो अपन राइट टाइम, ये देखो चलते हैं अब, मेरे ख्याल से अपन राइट टाइम पे ही निकले हैं जिसकी वजह से अपन को इतना सुहाना मौसम देखने को मिला है। चलो अब बस इसमें बैठते हैं ट्रेन में क्योंकि गाड़ी चल रही है। तो भाई चेन्नई आ गया है, 1 किलोमीटर बचा है चेन्नई और बस ये चेन्नई की ही शुरुआत है। उतरते हैं और फिर रात को पकड़नी है मुझे अहमदाबाद की ट्रेन दोबारा चेन्नई सेंट्रल से। तो अभी चलते हैं अपने स्टे पे, वहाँ पे आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, खाएंगे, फिर निकलेंगे वहाँ से शाम को,
फिर मिलते हैं यही रेलवे स्टेशन पे। भाई हम उतर गए चेन्नई रेलवे स्टेशन पे और ये खड़ी अपनी गाड़ी, तो चलते हैं अब और मिलते हैं फिर। अगर कहीं चेन्नई में गया घूमने के लिए तो फिर मिलेंगे, नहीं तो फिर दोबारा इसी स्टेशन पे मिलेंगे कल सुबह। और ये देखो ये खड़ा है अपना धासु इंजन, और ये इंजन कहाँ ला के खड़ा किया है इनने देखो। थोड़ा और चला देते, थोड़ा यूँ टक्कर होती उसमें तो क्या है कि आवाज़ आती ना बुडम, टच कर देते टच तो भी मज़ा आ जाता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।